गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 3 सितंबर 2019 और आज की करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल। और अभी अगस्त महीने की संपूर्ण करंट अफेयर का वीडियो भी अपलोड किए हैं तो उसमें अगस्त महीने के टॉप 50+ करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो एक तरह से अगस्त महीने का रिवीजन किया हुआ है उस वीडियो में, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लें। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो अगस्त महीने की करंट अफेयर को जरूर देखें जिससे कि अगस्त महीने का रिवाइज हो सके। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। तो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेल्जियम ग्रांड प्री 2019 किसने जीती है? तो ये जीती है चार्ल्स लेक्लेर ने। ऑप्शन डी करेक्ट है, यही है चार्ल्स लेक्लेर और इन्होंने जीती है बेल्जियम ग्रांड प्री 2019। इन्होंने ये खड़े हैं लुइस हैमिल्टन, इनको 1 सेकंड से कम समय में हराया है चार्ल्स लेक्लेर ने। अब इनकी कंपनी इंपॉर्टेंट है, जितने भी फॉर्मूला वन ड्राइवर हैं इनकी कंपनी इंपॉर्टेंट है। तो इनकी कंपनी है फरारी, फरारी के ये ड्राइवर हैं चार्ल्स लेक्लेर और इनकी फॉर्मूला वन कैरियर की ये पहली जीत है चार्ल्स लेक्लेर की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और ये इस साल की अभी 13वीं ग्रांड प्री है, ये इस साल की 13वीं ग्रांड प्री है इस साल की, तो ये ध्यान रखना है। तो ये जीती है चार्ल्स लेक्लेर। अब एक बार 13 की 13 ग्रैंड प्री का रिवीजन करते हैं कि किसने कौन सी जीती है 2019 में। तो सबसे पहले हुई थी 2019 में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्री, तो ये जीती थी वाल्टेरी बोटास ने, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं वाल्टेरी बोटास। दूसरी हुई थी बहरीन ग्रैंड प्री, तो ये जीती थी लुइस हैमिल्टन ने, तो ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन। तीसरी हुई थी चाइनीज ग्रैंड प्री, तो ये जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। चौथी हुई थी अजरबैजान ग्रांड प्री, तो ये जीती थी वाल्टेरी बोटास ने। पांचवी हुई थी स्पेनिश ग्रांड प्री, तो ये जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। छठी हुई थी मोनेको ग्रांड प्री, तो ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। सातवीं हुई थी कनाडियाई ग्रांड प्री, तो ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। उसके बाद आठवीं हुई थी फ्रांस ग्रांड प्री, तो ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। उसके बाद नौवीं हुई थी ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्री, तो ये जीती थी मैक्स वर्स्टप्पन ने, ये रेडबुल कंपनी के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टप्पन। उसके बाद हुई थी 10वीं ब्रिटेन ग्रांड प्री, तो ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। उसके बाद हुई थी 11वीं जर्मन ग्रांड प्री, तो ये जीती थी मैक्स वर्स्टप्पन ने। और इसके बाद हुई थी 12वीं हंगेरियन ग्रांड प्री, तो ये जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। और अभी यह 13वीं हुई है बेल्जियम ग्रांड प्री 2019, तो ये जीती है चार्ल्स लेक्लेर ने। तो टोटल 13 ग्रांड प्री हुई है, 13 में से 8 लुइस हैमिल्टन ने जीती हैं, तो मोस्टली सबसे ज़्यादा लुइस हैमिल्टन ने जीती हैं और दो दो जीती हैं वाल्टेरी बोटास और मैक्स वर्स्टप्पन ने, और एक जीती है अब चार्ल्स लेक्लेयर ने। तो ये ध्यान रखना है, ये ग्रांड प्री वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चार्ल्स लेक्लेयर यानी ऑप्शन डी करेक्ट है, तो बेल्जियम ग्रांड प्री 2019 जीती हैं चार्ल्स लेक्लेयर ने। तो ये इनकी कंपनी ध्यान रखनी है फेरारी के, ये ड्राइवर फरारी के ड्राइवर हैं चार्ल्स लेक्लेयर। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें डेली करंट अफेयर के लिए, और मंथली करंट अफेयर के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो के लास्ट में पूछे गए करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एक बार वीडियो देखने के बाद ही पीडीएफ डाउनलोड करें क्योंकि पीडीएफ में शॉर्ट में दिया होता है ओनली क्वेश्चन है पीडीएफ में, और एक्स्ट्रा जानकारी केवल वीडियो में दी जाती है, इसलिए वीडियो को एक बार जरूर देखें और रिविजन के लिए देख सकते हो पीडीएफ को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला कचरा कैफे खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी करेक्ट है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़
जो छत्तीसगढ़ है उसके अंबिकापुर में खोला जाएगा ये कचरा कैफे। ये भारत का पहला कचरा कैफे है और ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खोला जाएगा। अब ये है क्या कचरा कैफे, तो इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति जैसे कचरा इकट्ठा करके लाता है तो वेट के अकॉर्डिंग है, अगर कोई व्यक्ति 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम कचरा लाकर कचरे के पे में जमा करते हैं तो उसे एक टाइम का भरपेट खाना दिया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति 1 किलोग्राम कचरा लाकर बीन कर लाकर कचरे के पे में जमा करता है तो उसे एक टाइम का खाना दिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति 500 ग्राम यानी आधा किलो कचरा बीन कर कचरे के पे में जमा करते हैं तो उसे ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। तो ये दोनों याद रखना है, ये तो यही है कचरा कैफे और ये छत्तीसगढ़ में खोला गया है, खोला जाएगा, भारत का पहला कचरा कैफे है ये। अब ये छत्तीसगढ़ में खोला जाएगा तो मैप में देखते हैं एक बार छत्तीसगढ़ को, ये रहा मैप में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, रायपुर से एक छत्तीसगढ़ में नया रायपुर और भी है नया रायपुर, तो उसका नाम अटल नगर रखा गया था अभी लास्ट ईयर ही, अटल नगर, ये ध्यान रखना है, रायपुर अलग है नया रायपुर अलग है, नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और अभी गवर्नर चेंज हुए थे छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं, तो छत्तीसगढ़ में ये दो नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, एक है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और एक है संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो ये दोनों उद्यान का नाम भी याद रखना है, ये दोनों छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है, तो भारत में पहला कचरा को कैफे खोला जाएगा छत्तीसगढ़ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड कप में यशस्विनी देशवाल ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, ऑप्शन सी करेक्ट है, यही है यशस्विनी देशवाल और इन्होंने ही जीता है शूटिंग वर्ल्ड कप में, शूटिंग वर्ल्ड कप में जीता है इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक, तो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता है इन्होंने गोल्ड मेडल। और कल ही बताया था अभी संजीव राजपूत ने भी जीता था, संजीव राजपूत ने कल रजत पदक जीता था सिल्वर मेडल और इन्होंने जीता है यशस्विनी देशवाल ने गोल्ड मेडल महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। और ये शूटिंग वर्ल्ड कप हो कहाँ पे रहा है, तो ये भी बताया था, तो ये हो रहा है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ये शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा है अभी का, तो इसी में गोल्ड मेडल जीता है यशस्विनी देशवाल ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यही है यशस्विनी देशवाल, हाल ही में राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, तो ये गए हैं जापान के, ऑप्शन डी करेक्ट है, तो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और ये अभी जापान की यात्रा पर गए हैं और अभी ये इसके बाद ये 5 सितंबर को दक्षिण कोरिया की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, तो अभी गए हैं जापान की आधिकारिक यात्रा पर राजनाथ सिंह, तो ये वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो बात ये जापान जाएंगे तो जापान को एक बार मैप में देखते हैं, जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे और जापान की संसद का नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो जापान की संसद का नाम है डाइट और इसी से रिलेटेड है रूस की संसद का नाम ड्यूमा, तो इन दोनों देशों की संसद का नाम इम्पोर्टेंट है और अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस, तो ये भी ध्यान रखना है, और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन इन दोनों की संसद का नाम है पार्लियामेंट, ये ध्यान रखना है, इन देशों की संसद भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में इप्सोस इप्सोस द्वारा जारी ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो इसमें शीर्ष पर रहा है ऑस्ट्रेलिया, कौन रहा है ऑस्ट्रेलिया इसमें पहले नंबर पर रहा है, तो अभी इप्सोस द्वारा ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे जारी किए गए हैं, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा है पहले पे, टोटली 28 देशों का ये इंडेक्स है, टोटल सर्वे 28 देशों का, इसमें कनाडा है दूसरे पे
और रूस 28वें नंबर पे है, लास्ट में रूस, पहले पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे कनाडा और रूस सबके लास्ट में। और इसमें भारत कौन से नंबर है, भारत की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भारत रहा है 90वें स्थान पर। अब ये है क्या, ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे, तो ये इप्सोस ने जारी किया है, इसमें क्या होगा, क्या है ये इंडेक्स, ये सर्वे, तो यानी कि किस देश का वैश्विक बाजार कितना अच्छा है उस पर ये सर्वे है, इप्सोस ने किया है ये सर्वे, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा है टॉप पे। तो मैप में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट ट्रेजरर स्कॉट मॉरिसन, कौन है, ट्रेजरर स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है, यानी खेलों की राजधानी भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन भी करेक्ट है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया रहा है इसमें पहले पे, और भारत है 90वें पे, और रूस है 28वें यानी लास्ट पे, और कनाडा है सेकेंड पे। तो भारत की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, और टॉप पे कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विवेक कुमार जौहरी किसके 25वें महानिदेशक बने हैं, तो ये बने बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यही है विवेक कुमार जौहरी, वीके जौहरी, तो यही बने बीएसएफ के 25वें महानिदेशक, विवेक कुमार जौहरी, तो ये बीएसएफ के 25वें महानिदेशक बन गए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। ये इनसे पहले थे रजनीकांत मिश्र, इन्हीं का स्थान लेंगे विवेक कुमार जौहरी, तो बीएसएफ के इनसे पहले महानिदेशक थे रजनीकांत मिश्र, अब बने विवेक कुमार जौहरी। अब ये बीएसएफ के बने, तो बीएसएफ वेरी इंपॉर्टेंट है, बीएसएफ की फुल फॉर्म तो अभी बताई थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी बीएसएफ की 1 दिसंबर 1965 को, इसलिए बीएसएफ दिवस मनाया जाता है हर साल 1 दिसंबर को, बीएसएफ स्थापना दिवस। और इसका हेडक्वार्टर है बीएसएफ का नई दिल्ली में, और महानिदेशक हैं बीएसएफ के, यही बने विवेक कुमार जौहरी। और इसका मोटो यानी देव वाक्य इंपॉर्टेंट है, इसका मोटो है बीएसएफ का ड्यूटी अनटू डेथ, तो देव वाक्य याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक है राजेंद्र बी अकलेकर, तो राजेंद्र बी अकलेकर इन्हीं की पुस्तक है ये ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, तो इनकी पुस्तक का अनावरण किया गया है, तो इनके लेखक का नाम याद रखना राजेंद्र बी अकलेकर, तो एक लेखक है और पत्रकार भी है, पत्रकार और लेखक दोनों ही है ये राजेंद्र बी अकलेकर, तो इन्हीं की पुस्तक है। और इस पुस्तक के अंतर्गत 1830 से लेकर अभी तक भारतीय रेलवे का जो सफर है उसका वर्णन है इस पुस्तक में, तो अभी ट्रेन 18 चली थी, तो 1830 से लेकर ट्रेन 18 आई है तब तक का वर्णन है इंडियन रेलवे का जो सफर है उसका वर्णन है इस पुस्तक में, इसके लेखक है राजेंद्र बी अकलेकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस 4 बार की एमी पुरस्कार विजेता का निधन हुआ है, तो ये हुआ है वेलेरी हार्पर, यही है वेलेरी हार्पर, तो ये अभिनेत्री है, तो ये इनको 4 बार एमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये 4 बार की एमी पुरस्कार विजेता है वेली हार्पर, तो ये एक अभिनेत्री है, तो इनका अभी निधन हो गए हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है वेली हार्पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने, तो ये बने जसप्रीत बुमराह, यही है जसप्रीत बुमराह, और ये टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले तीसरे भारतीय बन गए जसप्रीत बुमराह। अब ये तीसरे भारतीय बन गए जसप्रीत बुमराह, इनसे पहले दो कौन से, तो एक है इरफान पठान और उसके बाद है हरभजन सिंह, और अभी है जसप्रीत बुमराह। हैट्रिक यानी लगातार 3 खिलाड़ियों को आउट किए हैं इन्होंने, तो अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इन्होंने लगातार 3 खिलाड़ियों को आउट किए हैं, तो हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, और ये आईसीसी वन डे रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को कहाँ पर स्थानांतरित किया है, तो क्या है पूर्वी कालिमंतन में,
पूर्वी कालिमंतन। तो यहाँ पे स्थानांतरित किया है अपनी राजधानी को इंडोनेशिया ने, अभी तक राजधानी थी जकार्ता इंडोनेशिया की, अब स्थानांतरित कर दिया है राजधानी को पूर्वी कालिमंतन ने। ये एक द्वीप है पूर्वी कालिमंतन। तो अभी शहर का नाम नहीं बताया गया है, तो ये द्वीप पर शिफ्ट की गई है अभी राजधानी पूर्वी कालिमंतन द्वीप पर। तो अभी शहर का नाम बताया नहीं गया है, पहले जकार्ता थी राजधानी, अब पूर्वी कालिमंतन ये द्वीप है, तो इस पर स्थानांतरित किया गया है। जब भी शहर का नाम बताया जाएगा तब बता दिया जाएगा। अब ये इंडोनेशिया ने किया है, तो मैप में देखते हैं इंडोनेशिया को, ये रहा मैप में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल है, कैपिटल को अभी स्थानांतरित किया है जकार्ता से पूर्वी कालिमंतन में। इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियाई रुपया, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। और अभी जो आज जो 2018 के जो एशियन गेम हुए थे वो जकार्ता और पोलमबेक इन दोनों शहरों में हुए थे 2018 के एशियन गेम, तो ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में विशेष टाइगर फोर्स का गठन किस राज्य ने किया है, तो ये किया था उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। तो जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है उसके पास आसपास का जो रिजर्व है, जिम कार्बेट रिजर्व क्षेत्र है, तो उसमें ही निगरानी रखने के लिए, अवैध शिकार पर निगरानी के लिए ये विशेष टाइगर फोर्स का गठन किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन, हाल ही में सेफ अंडर 15 खिताब किसने जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में इसका आंसर बताया गया है, तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुँच सके डेली करंट अफेयर के डेली मॉर्निंग में। और PDF फाइल आप इन क्वेश्चंस के डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो PDF फाइल, लेकिन वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें उसके बाद ही PDF को देखें, अन्यथा PDF से याद नहीं होगा पूरी तरह इसके, क्योंकि PDF में शॉर्ट में दिया हुआ है, ओनली क्वेश्चन है PDF में, और वीडियो में एक्स्ट्रा जानकारी दी जाती है GK की, तो GK भी क्लियर हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अब थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए वीडियो में पूरा आंसर दिया हुआ है। और अगस्त महीने की करंट अफेयर अपलोड की थी अभी, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लें अगस्त महीने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विद यू।